वकीलों ने कलेक्ट्रेट रोड को जाम कर जमकर प्रदर्शन किया है। गुस्साए वकीलों ने पुलिस लाइन की गेट को भी बंद कर दिया। वकीलों पर दर्ज मुकदमे की वापसी और थाना प्रभारी छाता को हटाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें आप मथुरा की ही देख रहे हैं, जहां पर वकीलों ने कलेक्ट्रेट रोड को जाम कर प्रदर्शन किया है। वकील काफी गुस्साए हैं, गेट बंद किया गया और उसके बाद ये प्रदर्शन। दरअसल उनकी मांग है कि वकीलों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस लिया जाए और थाना प्रभारी छाता को हटाने की मांग भी है इनकी। और इन्हीं मांगों को लेकर ये प्रदर्शन वकीलों का, जो आज कलेक्ट्रेट रोड में देखने को मिला, जहां पर इस रोड को ही ब्लॉक कर दिया गया, जाम की स्थिति वहां पर बन गई। तो जो अब तक मुकदमे वकीलों पर हुए हैं उनको वापस लिया जाए, साथ ही थाना प्रभारी छाता को हटाने की मांग भी इस प्रदर्शन के जरिए उठाई गई है। तो देखा जाए, इस प्रदर्शन से आम लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह से कलेक्ट्रेट रोड में यहां प्रदर्शन हो रहा है, जाम वहां पर हो गया है और ऐसे में आने जाने वाले लोगों को खासी दिक्कत है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इस पर आगे क्या एक्शन लिया जाएगा। मातुल शर्मा फिलहाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। मातुल, अभी क्या स्थिति है वहां पर? प्रदर्शन किया जा रहा है वकीलों के जरिए, क्या अभी ये प्रदर्शन थम गया है या प्रदर्शन जारी है अभी भी? जी, मैं आपको बता दूं, अब पुलिस ने और जो सिटी मजिस्ट्रेट ने वकीलों को समझा दिया है, तो प्रदर्शन उन्होंने खत्म कर दिया है। लेकिन शुरुआत में काफी नाराज थे, क्योंकि उनके साथी पर एक FIR हो गई थी, कड़ोस FIR, जिसकी वजह से वकीलों को ये प्रदर्शन करना पड़ा। वकील इतने नाराज थे कि वकील ने पुलिस लाइन का गेट भी बंद कर दिया और लोगों को काफी परेशानी हुई। अब पुलिस और प्रशासन के समझाने पर वकीलों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया है। मातुल, क्या आश्वासन यहाँ पर इन वकीलों को दिया गया है जो मांगे रखी गई थी उनको लेकर? जी, पूरा आश्वासन दिया गया है। अब पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जो मुकदमा पक्की साहब ने कराया था वो अगर सही है तो मुकदमा कायम होगा। जो पक्की साहब पे मुकदमा हुआ है, अगर चूंकि मातुल इस तरह का मामला पहले भी सामने आ चुका है, प्रदर्शन खत्म किया। मैं आपको बता दूं, मातुल, क्योंकि इस तरह का मामला पहले भी सामने आ चुका है, आश्वासन दिया गया है, लेकिन क्या इस तरह का कोई रिएक्शन या प्रतिक्रिया यहाँ पर वकीलों के जरिए कि अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो आगे एक बार फिर से प्रदर्शन देखने को मिल सकता है? जी जी, मैं आपको बता दूं, वकील ने जो काफी एकजुटता दिखाई है यहाँ पर, वो इस बात को लेकर वो आश्वासन कर मान गए हैं कि जो इन्होंने ये आश्वासन दिया है उसको प्रदर्शन को खत्म कर दिया है। लेकिन अगर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हमारे वकील के खिलाफ मुकदमा, जो क्रॉस मुकदमा लिखा गया है, उनको वो अगर वापस नहीं होगा तो हम दोबारा प्रदर्शन करेंगे। जी चलिए, धन्यवाद आपका मातुल फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वकीलों ने कलेक्ट्रेट रोड पर जाम कर दिया है और हालांकि फिलहाल वहां पर प्रशासन पहुंचा, पुलिस प्रशासन पहुंचा, बातचीत की गई और समझा बुझा लिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल ये जो प्रदर्शन वकीलों का कलेक्ट्रेट में चल रहा था वो खत्म हो गया है और उस व्यवस्था को दुरुस्त भी किया जा रहा है, जिसके चलते रोड यहाँ पर जाम की स्थिति बन गई थी। लेकिन सीधे तौर पर यहाँ पर वकीलों ने चेतावनी की, अगर जिस मसले को लेकर वो यहाँ पर बैठे हैं वो जल्द से जल्द नहीं सुलझा, मांग नहीं मानी गई, तो आगे प्रदर्शन और भी ज्यादा यहाँ पर उग्र हो सकता है। तो मथुरा का यह मामला है जहां पर आज वकीलों ने कलेक्ट्रेट रोड को जाम कर दिया, प्रदर्शन किया यहां पर और उसके साथ ही मांग, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि वकीलों पर जो भी केस दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाए, साथ ही थाना प्रभारी छाता को हटाने की मांग भी उनकी इस प्रदर्शन के जरिए देखने को मिली है। तो देख सकते हैं बीच सड़क पर बैठकर प्रदर्शन, और इसी प्रदर्शन को खत्म किए जाने के बाद एक चेतावनी भी दी गई है।